पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हमारे अन्नदाता किसान खेतों में जीतोड़ मेहनत करते हैं ताकि हमारे लिए भोजन का अभाव ना हो। ऐसे में किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हमारी ये कोशिश होती है कि किसानों के लिए जानकारी का अभाव ना हो। किसानों के लिए जरूरी तमाम उपयोगी जानकारियां हम समेट कर लाने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम में। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद के उप निदेशक डॉक्टर गिरीश ए जी ने किसानों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के बारे में हमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी, ये जानने के लिए सीधे रुख करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो का। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि और खेती करना एक मुख्य कार्य अपना भारत में किया जाता है। लगभग 70% लोग, भारतीय लोग हमारे किसान हैं और हम सब लोग जानते हैं कि किसानों की आजीविका पूर्णतः खेती के ऊपर निर्भर रहती है। इसीलिए राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य संस्थान प्रबंधन स्वास्थ्य संस्थान, जो कि एक तेलंगाना में हैदराबाद शहर में स्थापित है, वह कृषि किसान कल्याण विभाग और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, जो कि उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी किसानों के लिए उत्पादन कैसा बढ़ाना है, कीट प्रबंधन कैसा करना है और निर्यात में प्रोत्साहन कैसा करना है, निर्यात में उनका सहभाग कैसा बढ़ाना है, उसके तहत पूरा शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, इसका कार्यक्रम में भाग करने के लिए किसान भाइयों और बहनों के लिए विविध कार्यक्रम दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत मुझे ये कहने में बहुत गर्व होता है कि राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान जो हैदराबाद स्थित है, वह केवल किसान के भाइयों बहनों के लिए नहीं, तो कृषि विभाग के अधिकारियों, हमारा वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय जैसे कि अफ्रीका, दक्षिण एशियाई कृषि अधिकारों के लिए भी अंतर्गत की जैविक खेती और कीटनाशक प्रबंधन जैविक माध्यम से कैसा करना है, इसका प्रशिक्षण और क्षमता प्रमाण कैसे बढ़ाना है और कि निर्यात में जो अभी वैश्विक व्यापार चल रही है उसके अंतर्गत जो चुनौतियां आ रही है उसको कैसा निपटाना है, इसके लिए जो हम प्रशिक्षण और क्षमता प्रमाण कार्यक्रम आयोजित करते हैं विविध प्रकार के, जिसमें कि खेती में फसल का कैसा उत्पादन बढ़ाएगा और खेती में जैविक खेती का प्रभाव कैसा आगे बढ़ाना है, प्राकृतिक खेती में कैसा बढ़ावा देना है, निर्यात में कैसा आगे बढ़ना है, चुनौतियों का सामना कैसा करना है और निर्यात क्षमता कैसी बढ़ाना है, इसके लिए किसान भाई और बहनों को मेरा ये निवेदन है कि आप इसका जो राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्था के अंतर्गत जो शिक्षण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, जो कि हमारा वेबसाइट में सूचित किया गया है, इसका उपयोग करके हम राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान को कांटेक्ट और सहभाग करके
जैसा कि उसका उपयोग करिए, जिससे कि भाई आप सक्षम और निर्भर बनाने के लिए आपको काम आएगा। और अगर आप सक्षम और निर्भर बनाएंगे तो आपका राज्य सक्षम और निर्भर बनेगा, और राज्य सक्षम बनेगा तो अपना भारत भाग्य भी बदलेगा, और इसका जो उपयोग होगा कि भारत भाग्य विधाता बनने में सफल हो जाएगा। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। खेती किसानी का और मौसम का आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक है, और ऐसे में जलवायु परिवर्तन जो कि एक वैश्विक चिंता का विषय बनता जा रहा है वो कृषि को भी प्रभावित करता है। वहीं कृषि के अंदर भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के कई समाधान मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। अगस्त सितंबर तक बारिश होना, ये सब जलवायु में होने वाले बदलाव की वजह से हो रहा है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत फिलहाल सातवें पायदान पर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश जलवायु परिवर्तन की सबसे प्रभावित देशों में शामिल है। कृषि क्षेत्र भी जलवायु परिवर्तन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। असमान बारिश के कारण हमारे देश में फसलों का खराब होना आम बात हो गई है। भारत की कुल कृषि भूमि का 55% हिस्सा सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है। 2050 तक मानसून में होने वाली बारिश में 70% तक गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय कृषि की रीढ़ टूट जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 19वीं सदी के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 3 से 6 डिग्री तक बढ़ गया है। अनुमान ये भी है कि आने वाले 80 साल में खरीफ फसलों के मौसम में औसत तापमान 0.7 से 3.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों को डर है कि बढ़ता तापमान महाविनाश का कारण बन सकता है। तापमान में हर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भारत में 6000 किलो गेहूं का उत्पादन कम कर सकती है। इसके अलावा मक्का की उपज भी 2050 तक 18% कम होने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी फसलों के उत्पादन पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है, जो आने वाले समय में खाद्य आपूर्ति का संकट पैदा कर देगा। बारिश के पैटर्न में बदलाव वर्षा आधारित क्षेत्रों में उत्पादन को प्रभावित करेगा, जबकि शीतलहर और पाला तिलहनों और सब्जियों की पैदावार में कमी लाएगा। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर बागवानी फसलों पर पड़ने वाला है। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ का, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवात का, उत्तर पश्चिम भारत में पाले का, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में गर्म लहरों का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये जलवायु आपदाएं भी कृषि उपज को नुकसान पहुंचाती हैं। जलवायु परिवर्तन किसी न किसी रूप से मिट्टी, मवेशियों और कीट पतंगों पर भी असर डालता है। जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए किसानों को संरक्षित और शुष्क कृषि अपनाने की ओर प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही ऐसे बीज तैयार किए जा रहे हैं जिन पर जलवायु परिवर्तन का असर कम से कम हो। बस जरूरत है किसानों को ऐसे बीज खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की। किसान फसल बीमा योजना से जुड़कर भी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि सिंचाई योजना जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले सूखे से लड़ने में मददगार होगी। दूसरी ओर देश में जलवायु स्मार्ट कृषि विकसित करने की ठोस पहल की गई है। ये एकीकृत दृष्टिकोण है जिसमें फसली भूमि, पशुधन, वन और मत्स्य पालन के प्रबंधन का प्रावधान होता है। शून्य जुताई प्रौद्योगिकी खेती के प्रचलित तरीकों से ज्यादा टिकाऊ है। इसके अलावा देश में जलवायु स्मार्ट कृषि विकसित करने की ठोस पहल की गई है, और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की परियोजना भी लागू की गई है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
किसान भाइयों गांठ बांध लो बात बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की मिट्टी के मिजाज को समझो मिट्टी के हर रास को समझो मिट्टी की तुम जांच कराओ मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ कभी मुनासिब बीज लगाओ सही किस्म की खाद ले आओ जितनी जरूरी उतनी डालो सही मात्रा खुद पहचानो इसको अपना मंत्र बना लो मिट्टी की सेहत को जानो बात बहुत है काम की कम लागत अधिक वरदान की किसान भाइयों गांठ बांध लो आज ही मिट्टी की जांच कराएं राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनके पर्यावरण के प्रति प्रेम ने उन्हें एक अलग ही दर्जा दिया है और उनके प्रयासों को सम्मानित करते हुए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है जी हां हम बात कर रहे हैं कर्नाटक में रहने वाली तुलसी गौड़ा की आइए देखते हैं पर्यावरण के प्रति इनके प्रेम को और साथ ही पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में इनके द्वारा उठाए गए कदम को तुलसी गौड़ा 72 साल की एक महिला हैं। छोटी झाड़ियों वाले पौधों से लेकर लंबे पेड़ों को कब कैसी देखभाल की जरूरत है वह इसे अच्छी तरह से समझती हैं। इसलिए इन्हें जंगल की एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है वह कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन कई राज्यों के युवा इनसे यही कला समझने के लिए मिलते हैं। पेड़ और हर्ब्स की प्रजातियों के बारे में इनकी जानकारी विशेषज्ञों से भी ज्यादा है उम्र के इस पड़ाव पर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण सहेजने का उनका अभियान जारी है भारत सरकार ने पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा की इस उपलब्धि के लिए पद्मश्री से नवाजा है आज तुलसी गौड़ा का नाम पर्यावरण संरक्षण के सच्चे प्रहरी के तौर पर लिया जाता है तुलसी गौड़ा एक आम आदिवासी महिला है जो कर्नाटक के होनाली गांव में रहती हैं। वह कभी स्कूल नहीं गई और ना ही उन्हें किसी तरह का किताबी ज्ञान है लेकिन प्रकृति से अगाध प्रेम और जुड़ाव की वजह से उन्हें पेड़ पौधों के बारे में अद्भुत ज्ञान है उनके पास भले ही कोई शैक्षणिक डिग्री नहीं है लेकिन प्रकृति से जुड़ाव के बल पर उन्होंने वन विभाग में नौकरी भी की 14 वर्षों की नौकरी के दौरान उन्होंने हजारों पौधे लगाए जो आज वृक्ष बन गए हैं रिटायरमेंट के बाद वे पेड़ पौधों को जीवन देने में जुटी हैं। अपने जीवन काल में अब तक वे 1,00,000 से भी अधिक पौधे लगा चुकी हैं। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में एकाध या दर्जन भर से अधिक पौधे नहीं लगाता है लेकिन तुलसी गौड़ा को पौधे लगाने और उनकी देखभाल में अलग किस्म का आनंद मिलता है आज भी उनका पर्यावरण संरक्षण का जुनून कम नहीं हुआ है उनकी खासियत है कि वह केवल पौधे लगाकर ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती बल्कि पौधारोपण के बाद एक पौधे की तब तक देखभाल करती हैं जब तक वह अपने बल पर खड़ा न हो जाए इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद जानेंगे अहम सरकारी योजना के बारे में अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है
और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कृषि दर्शन कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। खेती किसानी के दौरान किसानों की लागत आदान में काफी ज्यादा आती है और महत्वपूर्ण आदानों में से एक है पानी या की सिंचाई की व्यवस्था। वहीं इस दौरान ऊर्जा की भी काफी खपत होती है। ऐसे में किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए अहम योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा।
इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के तीन घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक, 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल एक एकड़ पर 60,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए थे, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कार्यक्रम कृषि दर्शन को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।